हेलो बच्चों, आज हम जो 8 तारीख का जो 8 अगस्त यानी कल का जो एग्जाम हुआ है सेकंड ईयर वालों के लिए, उसका इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। जो कि थ्योरी पेपर ये है, थ्योरी पेपर का हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। जो कि कुछ बच्चे बताए हैं वही है, तो आप मिला भी सकते हैं, जिनका 8 तारीख का एग्जाम है वो मिला भी सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन उनका आया है, क्योंकि ये जो भी बच्चे हमको बताए हैं उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है। तो और जो जिनको नेक्स्ट देना है वो पढ़ भी लेंगे, क्योंकि हो सके तो ये क्वेश्चन को इसमें से रिपीट कर जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे वो आपको मिलता रहे। एक चीज और, जो 20 क्वेश्चन का जो अभी ड्राइंग का जो एनालिसिस हुआ था, जो दिया गया था भारत स्किल पे, जो निम्मी का था, उसमें से एक दो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो दिया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयटी स्किल, उससे भी क्वेश्चन टकराया है। तो आप उसको जाने से पहले एक बार देख लें, और थ्योरी में भी जो क्वेश्चन बैंक का जो दिया हुआ है उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उस सबको क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफी मैच कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जनरेटर द्वारा। तो जनरेटर द्वारा किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, कौन से ऊर्जा को किया जाता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं, यानी डीसी मशीन होता है उसमें कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। तो इनमें से जो दो को बिंदु है वो है, ये है ऑप्शन नंबर सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रतिरोध है वही नापता है। नेक्स्ट है सी, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलना चाहिए, यानी डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलने से फायदे क्या है। डीसी जनरेटर जो है वो घड़ी की दिशा में चलते रहता है क्लॉकवाइज, तो उससे फायदा क्या है। उससे फायदा ये है, बी नंबर ऑप्शन, उससे अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, यानी उससे अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा होता है। चार, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी जो आर्क वेल्डिंग है उसके लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो यह है आर्क वेल्डिंग में किया जाता है सी, विभेदक यौगिक जनरेटर, सी नंबर ऑप्शन, विभेदक यौगिक जनरेटर। पांच, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का, यानी बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर है उसके योग को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है डी ऑप्शन, रोल्ड स्टील, ये ऑप्शन नंबर डी है, रोल्ड स्टील। छह, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का, जो आर्मेचर को जो बाइंडिंग किया जाता है उसके प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कौन से उपकरण को हम उपयोग करके आर्मेचर की बाइंडिंग को हम मापते हैं। तो वो मापते हैं डी नंबर ऑप्शन, केल्विन ब्रिज के द्वारा। सात, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, यानी इनमें से कौन सा कुचालक है जो श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। ऐसे आप निम्न भी देखिएगा तो उसमें फाइबर ग्लास दिया हुआ है, लेकिन इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन, बांस। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बांस। नेक्स्ट चलते हैं, एट नंबर में दिया है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, यानी आर्मेचर को संतुलित करने के लिए हम कौन से तरीका को यूज करते हैं। तो यह होगा बी, गतिशील संतुलित, यानी गतिशील संतुलित तरीका है, उससे हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं। नौ, बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, यानी बाइंडिंग में जो टेप रहता है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है सी, कंडक्टर लपेटें, उसका उद्देश्य
यही करने के लिए है, कंडक्टर लपेटे के लिए है। 10 थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है, यानी थ्री कला यानी थ्री फेज मोटर में बाइंडिंग के बीच कला का विस्थापन यानी कला का विस्थापन वो कितना डिग्री का होता है, तो ये होता है 120 डिग्री का। ये होता है कितना है 120 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन 11। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होता है, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, तो ये है डी नंबर ऑप्शन 16 वर्ण। 12 में दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कौन सा फिल्टर, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। इसमें से कौन सा फिल्टर से हम उसको आसानी से हम हटा सकते हैं, तो वो हटा सकते हैं ए नंबर ऑप्शन है एलसी फिल्टर, यानी एलसी फिल्टर से हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। सर्किट रेक्टिफायर में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है, तो ये है एलसी फिल्टर। नेक्स्ट है 13, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, यानी CRO द्वारा हम किस मात्रा को मापते हैं, तो ये मापते हैं ए आवृत्ति। 14, पावर कंट्रोल सर्किट में DIAC, याद रखिएगा DIAC का उद्देश्य क्या है, इसका DIAC का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बी ट्रिगर करने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ट्रिगर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, यानी जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसका लाभ क्या है, उसका लाभ ये है ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम विकृति। 16, रिक्तिकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है, या जो रिक्तिकरण क्षेत्र है वो कैसा व्यवहार करता है, ये है बी नंबर ऑप्शन कुचालक के रूप में ये कार्य करता है, कुचालक के रूप में ये कार्य करता है कुचालक के रूप में। 17, पैनल बोर्ड असेंबली किस उपकरण से बचा जाता है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, तो ये है ए इसमें बचा जाता है सेंसर से। 18, किस सेंसर में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, यानी वो कौन सा सेंसर है जिसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, तो यह है ए नंबर ऑप्शन लिफ्ट सर्किट। 19, कौन सी डिवाइस अनुक्रमित नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है, ये कौन सी डिवाइस है, तो ये डिवाइस है ए नंबर ऑप्शन है, ये डिवाइस है ए नंबर ऑप्शन है टाइमर। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, और जो भी इस पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ जो भी एग्जाम दिए हैं 8 तारीख को और उनसे ये क्वेश्चन मैच कर रहा है तो बताइएगा नीचे कमेंट में कि मेरा इतना क्वेश्चन इसमें से आ रहा था, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो सब शिफ्ट का अलग अलग है, तो ये मिक्स करके दिया गया है। जय हिंद।